मेला, जोया और पास्तोरा, इटली के आर्तेना के ऐतिहासिक सेंटर के रास्तों पर। बुची परिवार के ये पालतू तीन खच्चर अपने मालिकों के पीछे पीछे एक जरूरी काम के लिए निकले हैं। उनका मकसद है घरों से ऐसा कचरा इकट्ठा करना जिसे रिसाइकल किया जा सके। हमारा दिन सुबह 3 बजे शुरू हो जाता है और ये काम करीब 5-6 घंटे चलता है। यहाँ हम लोगों को दिखा पाते हैं कि कचरे को अलग अलग छांटा कैसे जाए, खासकर यहाँ सिटी सेंटर में उन लोगों को जहाँ ज्यादातर 80 साल से ऊपर वाले बुजुर्ग लोग रहते हैं। इटली के आर्तेना शहर में रहने वाले लोगों का कहना है कि इन खच्चरों के कारण उन्हें कचरे को अलग अलग करने में काफी मदद मिली है। हम इसे गंभीरता से लेते हैं। हर दिन केवल वही चीजें फेंकते हैं जिसे कलेक्शन के शेड्यूल के हिसाब से उठाया जाना है। पहले काफी थकाने वाला था, पर अब ये सब आसान हो गया है। मोंटी लेपिनी नाम के पहाड़ की चोटी के एक और बसा ये शहर पूरा पथरीला है। शहर का सिटी सेंटर ऐतिहासिक माना जाता है। ये सब कुछ मैंने अपने पिता और चाचा से सीखा और मैंने अपने अनुभव अपने बेटे को सिखाए। ऊपर चढ़ना हो, नीचे उतरना हो या तीखे मोड़ हो, खच्चर ऐसे बुद्धिमान और शांत जानवर होते हैं जिनके साथ आप ठीक से काम कर सकते हैं। आपको उन पर चिल्लाना नहीं पड़ता। खेती, पशुपालन और पर्यटन पर निर्भर यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए खच्चरों के साथ काम करना सीखना जरूरी है। खच्चरों के साथ काम करने से हमें बहुत अच्छे नतीजे मिले हैं। 80% से भी अधिक रिसाइकलिंग हो पा रही है। हमारा विचार था कि शहर के पुराने हिस्से से जो कुछ भी निकाला जाए वह खच्चरों की मदद से। केवल रिसाइकलिंग के लिए कचरा ही नहीं, बल्कि जिस भी चीज की खपत हो, खाना और सब कुछ खच्चर ही लाद कर लाए। ऐसी दुश्वार जगहों पर खच्चरों के इस्तेमाल से कई फायदे हैं। न तो कूड़े के ट्रक का शोर, न ही धुआं और न ही जहरीली गैसों का उत्सर्जन। यहाँ तक कि खच्चर के मल को भी उसको पालने वाले उठा लेते हैं। मैं खुद भी कुछ काम करने की कोशिश करता हूँ। ये तो व्यस्त रहते ही हैं, इनके बिना हम कुछ नहीं कर पाते। ये खच्चर प्रदूषण नहीं फैलाते और प्राकृतिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। सुबह सुबह इनकी घंटियों से ही मेरी नींद खुलती है, जो बहुत अच्छा लगता है। इस पूरी व्यवस्था का कोई जवाब नहीं। राजधानी रोम से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आर्तेना में 15,000 से भी कम लोग रहते हैं। स्थानीय लोगों के अलावा यहाँ पहुँचे पर्यटक भी खच्चरों की सवारी का आनंद लेते हैं।